वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज़ हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज न्यू एड्रेस जी हां यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत तो ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी पर पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेसन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की की पर पर जो है सारी सारी पर है है, की तो की जो है वो सारी सारी टाइम कितनी आईएमडीबी रेटिंग क्या एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ जाए साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये ये जो है 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 वो अवेलेबल कर दी गई है। जी Amazon Prime पर ये वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon Prime प्राइम पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेसन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खेदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को, लो को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ एंड बात करें कि इस मूवी की, सारी की, सारी की, तो की जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है है वो अवेलेबल कर दी गई है। जी Amazon Prime प्राइम पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर सेवनटी तक लाइक like किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हो तो मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर परिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हैलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दीजिए वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज़ हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेसन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा मैं कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खेदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही यह सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड एंड बात करें कि इस इस मूवी मूवी की 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 पर पर जो है 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 वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम कितनी आईएमडीबी रेटिंग क्या है, इस को के यूजर्स तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है है वो है जी आउट ऑफ़ जो कि काफी अच्छी खासी, पर खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी और मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Video पर यह वहां पर अवेलेबल है आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज कि वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ हाँ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी और मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज़ हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, सारी की, सारी की, तो की जो ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर सेवनटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दीजिए वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मजा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज़ हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खेदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी और मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon Prime Video पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाज़मी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ-साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहां पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज न्यू एड्रेस जी हाँ यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, सारी की, सारी की, तो की जो ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर सेवेंटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पीसी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो ड्यूरेशन सारी सारी कितनी है आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से, तो से यहां पर सेवनटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर परिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी Fear हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की की पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से, तो है है से यहां पर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हैलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हां मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मर्तबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खेदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है सारी सारी पर है है, की तो की जो है वो सारी सारी की की पर टाइम कितनी आईएमडीबी रेटिंग क्या एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो शीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दीजिए वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट से इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खेदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, सारी की, सारी की, like तो की जो ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर सेवनटी नाइन परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज़ हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस की जो ड्यूरेशन सारी सारी कितनी है आईएमडीबी रेटिंग like तो है वो है जी सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर सेवेंटी नाइन परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दीजिए वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज़ हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्योेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी तो में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी पर पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेसन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस की जो सारी सारी ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग, तो रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर सेवनटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर परिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दीजिए वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और ये अभी इसकी आई भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13 बी के बारे में जिसकी अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्योरेसन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल well, तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोरेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर यह बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर सेवेंटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम डोरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए उसके साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मज़ा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी फोर देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर और भी बहुत सारी मूवीज देखने को मिलेंगी तो आप लोगों को इनकी ये सारी मूवीज भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बेसिकली तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशंस आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी वेल तो जी आज तक हमने बॉलीवुड से और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्रीज से बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं जिनका कंसेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था हाँ बस वही कंसेप्ट था कि इसमें कोई आत्मा आएगी किसी में चली जाएगी उसको शापित कर देगी एंड दैट्स इट इसी तरह का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता रहा एंड ऐसी ही मूवीज हमने देखी हैं बाय द वे यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट की हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को हॉरर एलिमेंट भर भर कर देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को कास्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी टाइम डोनेशन भी लिमिटेड सी है उसी के साथ साथ और अभी इसकी आई रेटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को इसे देखना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जी यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा ट्राई करना चाहिए जी हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी थर्टीन बी के बारे में जिसके अगर हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पर इसका स्लोगन ही बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाता है थर्टीन बी फीयर हैज़ अ न्यू एड्रेस जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन करता है अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर आर माधवन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर नीतू चंद्रा सचिन खैदकर दीपक डोबरियाल रवि बाबू और मुरली शर्मा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जैनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर हॉर एलिमेंट देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा तो यही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रजेंट किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस की यहां पर जो ड्यूरेशन सारी सारी कितनी है आईएमडीबी रेटिंग तो है वो है जी सेवन पॉइंट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है लेकिन उससे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक मूवी के लिए अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में मजा भी आएगा तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है विक्रम कुमार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को थैंक यू देखने को मिलेगी नैनीस गैंग लीडर देखने को मिल जाएगी हेलो देखने को मिलेगी ट्वेंटी देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को

Finally, ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस लाजमी से देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी जॉर्ज पियर्स और राजेश सवाने देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी सी श्री राम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बी को यहाँ पर पारिक ने संभाला है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया गया है उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोडक्शन कंपनी की तो वाइड एंगल क्रिएशन आप लोगों को प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना बनता है आप लोग इस मूवी को एक चांस लाजमी से दी